अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग विद पिंकी अली खान। तो आज हैदर को फीवर हो गया है और हैदर की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, हैदर को मैंने फुल कवर कर दिया। ओ जुमी बेटी प्यारी, मुझे भी हल्का हल्का फ्लू हो रहा है और हैदर की भी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है। बस अल्लाह शफा दे हमें। एक तो मेरी नंद की नज़रें बहुत हैं हसद की मरीज़ा की हमारे साथ, तो अल्लाह नज़रों बद से उसकी बचाए। बहुत गंदी और गलीज नज़र की औरत है। दे दू मी बी ओपन योर माउथ। तो मेरे बेटी की आज तबीयत सही ख़राब हुई हुई है और ये सही मेरा बेबी बना हुआ है, मामाज बेबी। तो हैदर के बाल इतने सिल्की हैं, इतने सिल्की हैं कि बेचारे के बाल ही नहीं पीछे होते। मैं सारा दिन उसके बाल पीछे करती हूँ लेकिन वो सारे आगे आगे गिरे होते हैं। इसके बाल मुझ पर और अली दोनों पे गए, क्योंकि मेरे बचपन में इतने सिल्की बाल थे कि मेरे बालों पे कोई चीज़ नहीं टिकती थी, कोई हेयर स्टाइल नहीं बनता था। दादी लो, मेरे बाल भी इसी तरह थी और अली की भी पिक्चर्स में अली के भी बाल इसी तरह थे, बिल्कुल स्ट्रेट। मैंने हेयर डाई करवा के तबाही उतारी, लेकिन मेरे अभी भी स्ट्रेट हैं और अली ने जेल लगा के मतलब हमने कुछ ना कुछ अपने बालों के साथ किया ताकि हमारे बाल कोई हेयर स्टाइल हमारा बने। दे रही हूँ मेरा बेटा, लास्ट वाली ये वाली कोई भी निकाल ले। देख मुझे ही रहा है। मेरा टाइम इसी तरह गुजरता है कि मैं सुमैरा का वेट करती हूँ, फिर सुमैरा आती है, हम मिलके कुछ खाते हैं। और अगर लेट से वो नहीं आती और वो जल्दी काम करके चले जाती है तो फिर मेरा रात को ही बस होता है खाना, क्योंकि मुझे अकेले खाने की बिल्कुल आदत नहीं है। मुझे ये होता है कि साथ कोई हो तो मैं खाऊं, और वो बेचारी भी सब घरों से थक के आई होती है तो मैं बोलती हूँ चला जा पार्टी करते हैं। फिर हम पार्टी करते हैं, कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं, तो एक ना बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। हम बातें करते हैं, वो मुझे सारा दिन की अपनी स्टोरियाँ सुनाती है, मैं जब चली जाती है मेरे साथ जो होता है मैं वो उसे बताती हूँ, और हम बैठ के हंसते हैं मजाक करते हैं और आराम से खाते हैं। तो खाने से ना कोई कम हो जाता है ना कुछ बिगड़ जाता है, और अगर आप किसी को खिलाएंगे किसी गरीब को तो अल्लाह ताला आपको डबल ही देता है। तो यहाँ पे लोग मोस्टली क्या करते हैं, बच्चे सालन फ्री सालन दे देते हैं लोगों को, काम वालियों के लिए जो चीज़ नहीं खाते वो रख देते हैं कि वो लोग खा लें। तो भाई वो लोग भी इंसान हैं, अगर वो काम करें तो ये उनकी जॉब है, वो कोई अल्लाह के वास्ते तो करते नहीं है। और अगर वो गरीब हैं तो उसी अल्लाह ने भी उनको ही बनाया जिस अल्लाह ने हमें बनाया, किसी को गरीब तो किसी को अमीर। तो कभी भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि फ्री सालन दिए, खुद अच्छा खा रहे हो उनको फ्री सालन पकड़ा दिए। मेरा ये होता है कि मैं जो खाती हूँ मैं साथ सुमैरा को बिठाती हूँ, हम दोनों एक ही चीज़ खाएंगे। मैंने कभी नहीं ऐसा किया कि मैं अच्छी चीज़ खा रही हूँ और गंदी चीज़ उसको दे दूँ कि ले तू खाई गंदी चीज़। मेरा ये होता है जो चीज़ मैंने खुद नहीं खानी वो मैं सुमैरा के लिए भी नहीं रखती, क्योंकि ऑफकोर्स वो भी तो इंसान है ना, कि मैं कोई बहुत ही वो हूँ अलग हूँ और वो अलग है, उसको भी उसी अल्लाह ने बनाया जिस अल्लाह ने मुझे बनाया है। लेकिन लोग यहाँ पे इसी तरह करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, मेरी नंद हसद की मरीज़ा, तो उसकी सास एक दिन एक अंडा खा गई थी उसके फ्रिज से, जो कि उसको कयामत मच गई थी कि मेरी फ्रिज से एक अंडा क्यों खाया। तो भाई गरीबों को क्या देना, आप तो अपनों का ही गिनते हो। तो इतने चवल इतने फ़कीर, तौबा मैं कहती हूँ लोग कैसे होते हैं। की तबीयत ठीक नहीं है और हैदर सो रहा है, इसलिए मुझे इसी कमरे में ब्लॉग शूट करना पड़ रहा है। तो मैं अब आप लोगों को स्टार्ट से बताऊंगी बहुत जल्दी जल्दी कि मेरी नंद ने क्या क्या किया और मेरी नंद को मेरे से बेसिक मसले क्या हैं। तो सीन यहाँ से शुरू होता है कि पहले तो वो ये चाहती नहीं थी कि अली की शादी हो, क्योंकि अली उसके लिए एक नौकर बना हुआ था, एक मशीन बना हुआ था, उसके बच्चों को पाल रहा था, उसके खर्चे उठाए हुए थे, उसके सारे काम कर रहा था, तो वो ये चाहती नहीं थी। और सेकंड थिंग, सेकंड ऑप्शन उसने ये रखा हुआ था कि अली की शादी हो तो वो अमेरिका में हो ताकि अली वहाँ चले जाए, ये सारा घर मेरा और मेरे बच्चों का हो जाए, जो कि उसके अल्फाज थे कि उसके अब्बू का बकौली चीज़ निकली हुई है कि ये घर उसका और उसके बच्चों का। लेकिन बाबा ने ऐसा कोई वर्ड आज तक नहीं बोला कि हाँ ये घर सबका है, तीनों बहन भाई का है, सारा का है, अली का है और सुमैया का। लेकिन जब तक बाबा की ज़िंदगी है ये सिर्फ बाबा का घर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था उसका कि अली अमेरिका चले जाएगा तो हम भी वहाँ सेटल हो जाएंगे, मतलब वो अली में ही अपने मकसद और मतलब तलाश कर रही थी। खैर उन दिनों ये सीन था कि अली और मेरा बातचीत स्टार्ट हुई, हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ, फिर बात शादी तक पहुँची, तो तब भी उसका यही था कि ये तो सऊदी की लड़की है तो अली सऊदी चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं से वो अपना मतलब इसमें भी निकाल बैठी।
खैर सीन ये था कि ऑफ कोर्स अली सऊदी तो नहीं जा रहा था और हमारा भी जाने का इतनी जल्दी कोई प्लान भी नहीं था, क्योंकि बाबा यहाँ थे, हम बाबा को इसके भरोसे पे तो नहीं छोड़ के जा सकते थे। तो मसले स्टार्ट होना शुरू हुए मेरी शादी जब हुई। पहले तो इसने शादी तो बहुत अच्छे से क्या कहते हैं होने दी, क्योंकि इसे ये था अच्छा खासा माल आएगा, सुकून मिलेगा घर में। ऑलरेडी जो एक खाना मैं मर के 12-1 बजे बना भी रही थी, कच्चा खाना कभी बनाती थी कभी नहीं, वो भी चलो मेरी भाभी के ज़िम्मे डल जाएगा। भाभी तो उसने माना ही नहीं ना, वो तो मुझे नौकर की तरह ट्रीट कर रही थी कि जैसे मैं को ख़रीदी हुई नौकर लाई हूँ। तो मेरे ससुर मेरे साथ स्टार्ट से बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे। मेरे और उनके बीच में अगर कोई मसला होता रहा है तो वो यही करवाती थी, उनको कोई बात करके पम्प कर दिया, उनको किसी बात पे झूठ सच बोल दिया, सिर्फ ही अपना मफाद ढूंढती रहती थी हर चीज़ में। तो खैर मेरी शादी हुई, और ऑफ कोर्स मेरी शादी हुई थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती थी सारे काम करके। शादी के नेक्स्ट डे से ही सब जिम्मेदारी मेरे पे थी, खाना बनाने से लेके एक एक चीज़ तक, क्योंकि ये तो महारानी सोई मरी पड़ी रहती थी रात 6-6, 7-7 बजे तक, और ये सारा ख़ानदान ये बात जानता है, किसी दुनिया से नहीं ये बात छुपी हुई है, चाहे अब कोई इस बात को डिनाई भी करे तो ये बात सब जानते हैं। तो डे वन से सारे घर की जिम्मेदारी मेरे पे डल चुकी हुई थी, खाना बनाना, बच्चे देखना, ये करना वो करना, सब मेरे सर पे था पहले दिन से। तो खैर दूसरे दिन से, क्योंकि पहले दिन तो मुझे इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आप बिस्किट नहीं खा सकती, आप फ्रिज से ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती, ये हमारा वो हमारा, वो चवल चीप हरकतें जो इसके अंदर हैं फ़कीरों वाली। तो खैर सीन ये था कि मैं अपना सामान ले आई कि मैं चलो ठीक है अगर इनका नहीं खा सकती तो मैं एटलीस्ट अपना ले आऊँ ना, मैं अपना लाई। लेकिन मेरा सामान तो वो था ना हराम का था, तो ये मेरा सामान भी खाती थी बैठ के। तो खैर हमारे घर में तो काम वाली ऐसी चीज़ें खाती हैं, तो हम लोग इस चीज़ को बॉदर नहीं, मैंने इस चीज़ को बॉदर नहीं किया। एक दफ़ा की बात है कि मैंने एक चीज़ स्लाइस खा ली थी, तब चीज़ स्लाइस का जो पैकेट था वो 400 का था जिसमें 10 पीस होते हैं। इसने मुझे 3 दफ़ा सुनाया और मैंने 2 पैकेट इसके मुँह पे ला के मारे कि ये एक चीज़ स्लाइस मैंने खाई थी, और वो चीज़ स्लाइस भी मैंने नहीं खाई थी, मैंने इसके मियाँ के बाबा के अली के एग बना रही थी उसमें डाला था। तो शादी के स्टार्ट से ही इसने मेरे साथ ड्रामेबाजी शुरू कर दी। इसकी पहली ड्रामेबाजी क्या हुई, ये मेरा सामान मेरा फर्नीचर ये देख के मैयत उड़ गई इसकी। दूसरा इसका क्या हुआ कि अली का लगाव मेरी तरफ हो गया। ऑफ कोर्स मैं कोई काम वाली तो लाई नहीं थी कि अली मुझे ला के फेंक देता कि चल बस तेरे से शादी होगी, चल अब यहाँ पे नौकर बन और रहे। ऑफ कोर्स मेरा शोहर था, वो मेरी केयर करता था, मुझे देखता था, मुझे बाहर लेके जाता था। तो इसको ये मसले थे कि अली अकेला क्यों लेके जाता है इसको, हालांकि मैं सारे घर का काम करके जाती थी, रात के टाइम जाती थी, अमूमन ये लोग मेरे साथ ही जाते थे। कभी होता था कि मैं अकेले जाती थी और मैं कोई रेस्टोरेंट में डिनर करने नहीं जाती थी, मैं जस्ट अली के साथ घूमने जाती थी, क्योंकि मैं 16 घंटे दूर अपने माँ बाप से आई हुई थी। यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं था, यहाँ पे ना मेरी फैमिली का कोई मेंबर, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना मेरा कोई मिलने वाला, कोई भी नहीं था, और मैं टोटली रेंडम यहाँ पे आ गई थी, जो मेरे लिए बहुत अजीब चीज़ थी। क्योंकि ऑफ कोर्स जब एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आती है, उसकी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है, और मेरी नई ज़िंदगी ऐसी जहन्नुम में स्टार्ट हुई कि इसने मेरे साथ जुल्म करना शुरू कर दिए, इसने मेरे साथ ज़्यादतियाँ करवानी शुरू कर दी। मेरी शादी को 25 दिन हुए थे, उन 25 दिनों में इसने मेरी ज़िंदगी मेरा जीना सब हराम कर दिया सब कुछ। आए दिन इस घर में चिकचिक होती थी, आए दिन इस घर में चिकचिक होती थी। अगर अली मेरे लिए ब्राउनी ले आया है, अब इसके लिए ब्राउनी आएगी, मेरे बच्चों के लिए नहीं आएगी, अब इसके लिए आएगी, अब इसके लिए ये आएगा, अब इसके लिए वो आएगा। फिर मैं अक्टूबर में प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर इसका ये पॉइंट चल पड़ा, अब ये बच्चा भी पैदा करेगी, अब ये बच्चा भी पैदा करेगी, अब इसका बच्चा भी होगा। वो मेरी प्रेगनेंसी इतनी वीक थी कि इसने गेम की ऊपर आके हमसे दोबारा दोस्ती करने की, जो मेरी शादी के 25 दिन बाद इसने बेवजह का हंगामा किया, मुझे गालम गलोच किया, मेरे माँ बाप को गालियाँ दी, सब किया, कि सिर्फ क्यों कि किसी तरह अली और पिंकी घर से चले जाएं। ये तो उल्टा सीन होने लग गया है कि इसने तो सारा घर संभालना शुरू कर दिया और बाबा इसकी साइड लेने लग गए हैं, ये तो वो, और इसको ये डर पड़ गया था कि अब क्या बनेगा। क्योंकि इसने अपने बाप के साथ 15 साल जो सलूक किया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बाबा अंदर कमरे में पड़े रहते थे, आके पूछना पसंद नहीं करती थी। बाबा अपना नाश्ता, अपना खाना, अपना कपड़े, अपना सब कुछ खुद करते थे, इवन तो इसके काम भी करते थे। बाबा इसके 3 बच्चे संभालते थे, उनका खर्चा बाबा ने उठाया होता, इसके शोहर का खर्चा उठाया होता, इसका खर्चा उठाया होता। तो पूरे 15 साल से बेसिकली बाबा ने इसका खर्चा उठाया हुआ, पूरे 15 साल से। खैर मेरे मिसकैरेज का ये सीन हुआ था कि इसने बहाने से आके ऊपर हमसे दोबारा दोस्ती की, कि क्योंकि 15-20 दिन गुजर गए थे, काम खुद करना पड़ रहा था, हम अपना बना रहे थे, ये अपना बना रही थी, तो ये तो बड़ा ही बैड सीन हो गया था ना, क्योंकि 1 महीने से एक नौकर मिल चुकी हुई थी।
और एक और चीज़, मैं सब बातें बताने से पहले आप लोगों को ये भी क्लियर करूँगी, ये सब बातें मैं सरे आम कर रही हूँ और मैं ये इसलिए बातें कर रही हूँ बैठ के, क्योंकि मैं इतना तो झूठी हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं वो करी, मैं इसकी तरह झूठ बोल के पीछे से वार नहीं करती। जो मेरे साथ हुआ, जो सच है, मैं वो बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, ना मुझे झूठ बोल के स्टोरियाँ बनानी आती है जैसे ये शैतानबाजी करती है। खैर, मेरा मिसकैरेज हुआ क्योंकि इसने मनहूसियत इतनी डाल दी हुई थी कि अब ये भी आ गई है, अब इसके बच्चे भी आ जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, जो ये ज़बरदस्ती अपने बच्चों को बाबा के पीछे लगा के उनसे निकलवाती है, प्यार निकलवाती है, पैसा निकलवाती है, वो गेम अब कहाँ से होगी। खैर, इसने मुझसे काम मजीद करवाए, मैं बेवकूफ़ों की तरह काम करती गई, रगड़ती गई, मेरा मिसकैरेज हो गया। और मेरे मिसकैरेज पे क्या हुआ, मेरा मिसकैरेज हुआ, हम आधी रात को डॉक्टर के पास भागे और मैं आगे बैठ के रो रही और ये पीछे बैठ के आज KFC खाएं, मैकडोनल्ड खाएं, ये हंस हंस के औरत बातें करी, हंस हंस के, और मेरी आगे तबीयत ख़राब और मैं ऊंची ऊंची रो रही और ये हंस रही, क्योंकि इसका तो मिशन पूरा हो गया था। इसने तो जिस चीज़ की दुआ की, जिस इसने पता नहीं दिल से मनहूसत मचाई, वो तो पूरी हो चुकी हुई थी, तो इसका मिशन तो कम्प्लीट हो गया हुआ था। तो खैर, इसकी ये कहानी चलती गई, हसद की चलती गई, क्योंकि अली इसके हाथ से निकल चुका था, बाबा इसके हत्थे नहीं चढ़ रहे थे जो ये चाह। जब मैं आई थी इस घर में तो इस घर का ये माहौल था कि ये और इसके हस्बैंड महाराजा और महारानी थे, जो कि सोफ़े पे बैठते थे, बाकी सब पफीज़ पे बैठते थे और बाबा एक टूटे सोफ़े पे बैठते थे। अपने बाप की इसने बहुत, जो ये दूसरों को कहती ना फलाने ने अपने बाप का नहीं किया तो उसने अपने बाप का नहीं किया, तो मैं इसकी सुनाती हूँ, इसने अपने बाप के साथ किया, जो 15 साल से इसको पाल रहा था, इसके बच्चों को, इसके शोहर को, सब, जिसने सब उठाया होता, जो अभी तक इन्हीं को खिला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम बिल में भी शेयरिंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से सारे घर का खाना अली चलाता है, बाबा की मेडिसिन से लेके एक एक चीज़ अली करता है। तो मुझे किसी को सबूत या साबित करने की ज़रूरत नहीं, जो इसने बेफजूल की बातें ख़ानदान में फैलाई हुई हैं कि सारा किराया तो अली खाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हक़ है, हमें खाना चाहिए था, लेकिन तुम हमारे हक़ का हराम खा रही हो। अभी भी लास्ट मंथ इसने बाबा को हमसे लड़वा के 40-50 हज़ार घसीट लिया सुकून से, क्योंकि इसे पता था हैदर की बर्थडे आ रही है, बाबा हैदर की बर्थडे में आगे आगे जाएंगे, बाबा को कुछ देना ना पड़ जाए तो मेरे बच्चों का कुछ चला ना जाए, तो इसने बाबा को हमसे लड़वा दिया। तो सीन ये था कि बाबा एक टूटे बेड पे सोते थे, बाबा के पास ना वार्डरोब थी, बाबा के कपड़े ऐसे लाइन पे लगे होते थे जैसे कोई रोड पे बेचारा इंसान सो रहा है। बाबा बीमार पड़े रहते थे, अंदर आके पूछना नहीं पसंद करती थी ये, बाबा को खाना देना नहीं पसंद करती थी, एक प्लेट डाल के देती थी खाना, उसमें वो सबसे गंदी जो बोटी होती है जिसमें कुछ चिपका ही नहीं होता, वो हड्डी डाल के देती थी। और बाबा का खाने टाइम क्या हाल होता था, बाबा क्या कि ना टेबल होता था ना कुछ होता था, हाथ में बाबा रोटी पकड़ते थे, हाथ में प्लेट पकड़ते थे, क्योंकि ये महारानी और महाराजा तो बैठे होते थे और अली और मैं पफी पे होते थे, तो बाबा हाथ में प्लेट पकड़ के खा रहे होते थे और साथ ही ऑर्डर आता था, जाए बाबा रिमोट ला दें, जाए बाबा इस बच्चे को पकड़ लें, जाए बाबा ये कर लें, जाए बाबा वो कर लें। तो मैंने जब वो चीज़ देखी तो मैंने ये चीज़ें आके स्टॉप करना शुरू की, मैंने बाबा को अंदर अंदर स्टॉप करना शुरू किया कि आप नौकर नहीं बनेंगे, आप हेड बन के रहें, आपने कहा क्यों इसको अपने ऊपर हेड बनाया हुआ है, आप हेड बने। फिर ऊपर वाला जब घर बना तो मैं ऊपर वाले घर में, सब स्टार्ट से मेरा रूम था, नीचे नहीं थी मैं, लेकिन मैं सुबह उठते सार नीचे जाती थी और रात को सारे काम ख़त्म करके ऊपर आके अपने रूम में सोती थी। तो सीन ये था कि जब ऊपर शिफ्ट होने का सारा काम हुआ, नीचे सारा घर कंप्लीट हो गया किराए पे देने के लिए, तो बाबा को ऊपर ऑफकोर्स बाबा का रूम तो बनना था, तो मैंने बाबा का फर्नीचर डिसाइड किया, बाबा का फर्नीचर बनने दिया, सब कुछ बाबा का मैंने रेडी करने के लिए दे दिया। अब हमने ऑफकोर्स इसको तो नहीं बताना था, क्योंकि ये हमारे लिए मैटर नहीं करती थी कि हम घर की हर बात इसको बताएं, क्योंकि ये तो समझती थी कि ये महारानी है, लेकिन मेरी नज़रों में ये महारानी नहीं थी। काम मैं सब करती थी, हर चीज़ मैं करती थी, लेकिन ऑफकोर्स ये मेरी नज़रों में कोई महारानी नहीं थी दुनिया की, इसने मेरे साथ बहुत जुल्म किए। हाँ, मैं ज़ुबान नहीं खोलती थी, मैं कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन ऑफकोर्स मेरे अंदर इतना था कि मुझे क्या सही करना है क्या गलत करना है। तो मैंने बाबा का रूम सेट करने के लिए ऑर्डर दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब इसके जो प्लान थे, जो बहुत अपने बाप की सगी और जो दूसरों के बाप को लाल ला के गिनती कि फलाने ने अपने बाप के साथ क्या किया, फलाने ने क्या किया, तो मैं इसकी बताती हूँ, ये तो अपने बाप को कमरा तक नहीं देना चाह रही थी। इसने रो रो के स्यापा कर दिया कि बाबा आप तो कहीं भी सोचें, आप तो ड्राइंग रूम में सोचें, आप तो बाहर चारपाई डाल के सोचें, आप कहीं भी सोचें, कमरा तो मेरे बच्चों को मिलेगा। ऐसे कैसे होता है, जिस इंसान का घर है, जिस इंसान ने तुम्हें 15 साल से रखा हुआ है, हालांकि तुम बेफजूल का यहाँ पे रह रही थी, जिस इंसान ने तुम्हारा 15 साल से खर्चा उठाया हुआ है, उसी के घर में उसी का कमरा नहीं, ये कहाँ के असूल होते हैं। खैर, मैंने इसको बोला नहीं, बाबा को तो सब रेडी हो चुका हुआ है, बाबा को तो मैंने सब कुछ रेडी करवा दिया, अब तो ऐसा नहीं हो सकता। इसने बाबा को फिर बिठा के बोला, आपने तो मुझे ये बोला था, वो बोला था, रो रो के इसने वो स्यापा इस बात में क्रिएट किया। लेकिन ऑफकोर्स
इसको भी कहीं ना कहीं समझ लगी थी कि अब इसके सियापे उस मकाम तक नहीं जा सकते हैं। हमारे घर में क्या सीन होता था, बाबा अपने ही सगे बेटे को कोई चीज़ लेके देते थे तो ये बोलते थे कि पिंकी के घर से आई है, पिंकी के घर वालों ने लेके दिए। तो यहाँ से मेन चीज़ें शुरू हुई। इसने मेरे भाई से कॉन्टेक्ट किया और मेरे भाई को झूठी सच्ची बातें बताती रही कि तुम्हारी अम्मी ने तो ये दिया है, तुम्हारी अम्मी ने तो गाड़ी दी है, तुम्हारी अम्मी ने तो फलान दी है, तुम्हारी अम्मी ने तो फलान दिया। हालांकि मेरी अम्मी ने कुछ भी नहीं दिया और ये मैं साफ मुंह पे आके कह रही हूँ, जिसके पास ये सबूत है कि मेरी अम्मी ने दिया है तो वो आके मुझे दिखा दे, मैं भी मान जाऊँगी कि हाँ मेरी मामा ने दिया है। लेकिन मेरी मामा ने नहीं दिया, क्योंकि बाबा इस महारानी से डर के बताते ही नहीं थे कि मैं अली को ये दिला रहा हूँ, मैं अली को ये लेके दे रहा हूँ, मैं ये हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये खाने जाते हैं, हम यहाँ खाने जाते हैं। हम इसको कुछ ही नहीं बताते थे, कुछ भी नहीं, क्योंकि बाबा इससे पता नहीं क्यों डरते बहुत हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि इसने कौन सा चूरन चटाया, कौन से काले जादू किए हैं, कौन सी गेमें चलाई हैं 15 साल में कि बाबा इससे बहुत डरते हैं, बेफजूल का। लेकिन ना तो मैं इससे डरती हूँ, ना अली से डरता है, इसलिए आज मैं सरेआम यहाँ YouTube पे अपना व्लॉग डालने आई हूँ ताकि पूरी दुनिया को इससे इसकी असलियत पता चले, पूरे ख़ानदानों को इसकी असलियत पता चले, और जो ख़ानदान इसकी साइड लेना चाहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच्ची हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आके बात कर रही हूँ। मैं झूठी होती तो मैं पीछे किसी को फ़ोन करके बुराई करती, तो किसी को फ़ोन करके बुराई करती। मैं सच्ची हूँ तो मैं यहाँ मुँह पे आई हूँ, क्योंकि अब मेरी भी बस हो गई, अब मेरी लिमिट ख़त्म हो गई है हर चीज़ की, बर्दाश्त की, सब चीज़ों की मेरी बस हो गई है। क्योंकि या आए दिन बाबा को पंप करती है, या आए दिन कोई तमाशा लगाती है, हमारे घर में इसको सुकून नहीं देखना, क्योंकि इसकी अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, इसकी अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, इसकी अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें जो नहीं है। मेरा पहला पॉइंट यही, शादी ना करती। अगर इसकी नज़रें अपने भाई पे थी, अपने बाप के पैसे पे थी, तो इसने शादी क्यों की? बाप भाई से बच्चे पैदा कर लेती, सिंपल। इसने शादी क्यों की है फिर, अगर इसका ध्यान और इसकी हर चीज़ इसी घर में रहनी है? मेरा पॉइंट एक और है कि आपकी शादी हो गई, आपके 3 बच्चे हो गए, आपको पता है आपको इस घर से हिस्सा मिलेगा, बस ख़त्म। आप अपनी ज़िंदगी जिए, आप अपने शोहर को देखें, अपने बच्चों को देखें, आप अपनी ज़िंदगी जिए। हम आपके बारे में जब बात नहीं कर रहे, हम आपको अपनी किसी कैटेगरी में नहीं लेते, हमारी तरफ से आप एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, तो आपको हमारी ज़िंदगी से क्या मसले हैं? आप अपनी ज़िंदगी में जहन्नुम क्यों बनाना चाह रही हैं? अपनी आखिरत और अपनी दुनिया दोनों चीज़ें आपकी जहन्नुम बनी। और मेरा अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया, अल्लाह ताला आपको आखिरत, अल्लाह ताला आपको हर पल पल सजा दे, जो जो आपने मुझे तड़पाया, जो जो आपने मेरे साथ किया, जो जो आप मेरे साथ करवाती। आपको हदायत तो आ नहीं सकती है, तो तुम्हारी हदायत के लिए तो मैं दुआ मांगूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगूंगी, जो जो तुमने मेरे साथ करवाया, जो जो तुम मेरे साथ करवा रही हो, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया आखिरत में, अल्लाह ताला तुम्हें एक एक सांस में उस चीज़ की सजा दे, जो तुमने अपनी बहन के साथ किया, जो तुमने भाई के साथ किया, जो तुम अपने बाप के साथ कर रही हो, जिसकी तुम दूसरों के बाप को बड़ा ले आती हो बीच में कि फ़लाना अपने बाप के साथ कैसा, तो फ़लाना कैसा, तो तुम जो अपने बाप के साथ हो वो भी दुनिया को पता ही है, किसी से छुपानी हुआ है। जो तुम अपने बाप के गिरेबान पकड़ती थी, जो गंदे अल्फाज तुम अपने बाप के साथ यूज़ करती थी, जो धक्के मार मार के तुम उसको घर से उसी के निकालती थी, सारी दुनिया को पता है, किसी से कोई बात नहीं छुपी हुई है, मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ मेरे साथ जो तुम कर रही हो वो मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। अब ये था तुम्हारा लास्ट, इसके बाद अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगी तो मैं भी देखूँगी, मुझे कोई डर नहीं है, जो दिन दुनिया में वो दिन कब्र में, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह के। लेकिन मैं ये तुम्हारी ज़ुबान ज़रूर बंद करूँगी, अब ये तुम्हारा लास्ट है। मेरे साथ नेक्स्ट कुछ होता है, मैं ये व्लॉग भी इसलिए डाल रही हूँ ताकि सारी दुनिया को पता चले मेरे साथ नेक्स्ट कुछ होगा तो फिर मैं देखूँगी, क्योंकि मैं मज़ीद और चीज़ें अब टॉलरेट नहीं करूँगी। ये औरत इतनी घटिया है, इतनी घटिया है कि इसकी अपनी 2 बेटियाँ हैं, लेकिन ये फिर भी दूसरों की औलादों को गिनना, उनके बारे में बुरा भला बोलना नहीं छोड़ती है। मेरे हैदर के बारे में इतना बुरा भला बोलती है, सारा की बेटियों के बारे में तो वो तो बायसेक्सुअल है, सारा प्रोस्टिट्यूट है, और मैं भी पता नहीं क्या 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 हूँ, ये तो यही जानती है। और सबसे नेक पवित्र ये और इसकी औलाद है, तो जो किसी के बारे में बोलता है ना, आने वाले कल में उसकी औलाद और वो ख़ुद ऐसे निकलते हैं। इन्हीं के ख़ानदान में एक मिसाल है जो कि मैं देना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरा किसी और से कंसर्न नहीं बनता है। मेरी इससे मसला है, ये मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो मैं इसी का नाम लूँगी। तो इसको भी पता है कि इन लोगों ने मुंह फाड़ फाड़ के दूसरों की बेटियों के बारे में क्या क्या बोला हुआ है, अपने ख़ानदान की बेटियों के बारे में, तो इनके साथ भी यही होगा, आगे इनकी औलादें भी ऐसे ही निकलेंगी। जहाँ तक रही मेरे बेटे की बात, तो मेरे बेटे से इसको बहुत मसला है, क्योंकि पहले तो इसको ये था कि औलाद ना हो, फिर इसको ये हो गया कि इनके घर लड़का हो रहा है। तो मेरा पॉइंट ये, लड़का लड़की दोनों बराबर होते हैं, मेरे घर अगर लड़की भी होती ना तो मेरे हैदर से मुझे कहीं ऊपर होती। हमारे में ये लड़का लड़की काउंट नहीं किया जाता कि लड़का है तो लड़की है, लेकिन इसको बहुत इस चीज़ की हाइप चढ़ी हुई है कि मेरा लड़का तो किसी का लड़का ना हो। तो औलाद अल्लाह ताला की देन है, उसमें लड़की हो लड़का हो ये अल्लाह ताला का होता है।
लड़कियाँ लड़की लड़की लड़का कोई डिफरेंस नहीं होता किसी चीज़ में, इसके बकौल होगा डिफरेंस, क्योंकि लड़का अपना अपने बेटे का तो बहुत ही करती है ना, तो बाबा को उनके बेटे से क्यों जुदा करने में लगी हुई है। बाप और बेटा एक चीज़ होते हैं, जो बाप का होता है वो बेटे का होता है, जो बेटे का होता है वो बाप का होता है। तो ये किस थॉट में किस सेंस में अली और बाबा को दूर करने की लगी हुई है, पहले इसने सारा का सीन कट ऑफ किया बाबा से, बाबा और सारा की ख़त्म हो गई टोटली, फिर ये अली के पीछे लग गई कि अली और बाबा की किसी तरह कट ऑफ हो जाए। लेकिन हम रहते हैं एक घर में, ये जितना मर्जी भड़का ले जितनी मर्जी आग लगा ले, मुड़ थोड़ के बाबा का हमारे से ही होता है, मुड़ थोड़ के बाबा हमारे पास ही आते हैं वापस। ये अपने बाप की बहुत सगी थी ना, तो इसके बाप के नाक से ब्लड आता था, इसके बाप को फ्लू था, ये अपने बाप को ज़ाइनोसिन ना देती, अपने बाप को सीधा हॉस्पिटल लेके जाती, बाबा की ट्रीटमेंट शुरू करवाती। इसने 6 महीने क्यों इंतज़ार किया, क्योंकि ये चाहती थी कि बाबा किसी तरह कल्टी हो जाए और जल्द अज जल्द किसी तरह हिस्सा मिल जाए, जिसके लिए आज से कितने सालों से मरी जा रही है। दुबई में भी इसके यही मसले थे कि हिस्सा चाहिए हिस्सा चाहिए हिस्सा चाहिए, यहाँ पे जब मेरी शादी हुई तब भी इसके यही मसले थे, मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा। तो भाई अल्लाह तुम्हारे बाप को ज़िंदगी दे, जब बाबा नहीं होंगे तब तो ले लेना तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा हिस्सा कहीं भागा नहीं जा रहा और हमें तुम्हारी तरह हराम खाने की आदत नहीं है। इसने बीच में ये सीन किया, किसी तरह बाबा इसको सब लिख दें कि सब सुमैया और उसके बच्चों का। इसने सारा को वॉइस नोट किए, मैं वो वॉइस नोट भी इस ब्लॉग में ज़रूर डालूंगी। इसने सारा को मेरे ख़िलाफ़ वॉइस नोट किए, अली के ख़िलाफ़ वॉइस नोट किए और उसे अपनी टीम में लेने की कोशिश की कि आ जाओ सारा, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रही हूँ कि तुम्हें भी पैसे मिल जाएँ, तुम्हें भी ज़रूरत है मुझे भी ज़रूरत है मिल जाए। तो बाप कहाँ जाता, बाप रोड पर आता, बाप रोड पर आ जाता। और बाप की ज़िंदगी में कौन से हिस्से होते हैं, मुझे ये पता चले कि बाप की ज़िंदगी में हिस्से हो जाते हैं, मतलब बाप का घर ही नहीं सब इसको मिल जाए। फिर इसने ये बाबा के दिमाग में बढ़ा कि भरा कि सारा का तो कोई हिस्सा ही नहीं बनता, सारा को कट ऑफ करें। फिर इसने बाबा को इतने तक, बाबा के अपने अल्फाज के, बाबा को इतना एंड तक ये ले आई कि किसी तरह आप अली को आग कर दें, आप अली को प्रॉपर्टी में से निकाल दें, कि सब कुछ इसको मिल जाए, मुझे ये पता चले सब कुछ इसको मिल जाए, ना सारा को मिले ना अली को मिले, हमें ना मिले, अल्लाह की ज़ात है हमें देने वाली, अल्लाह की इतनी बड़ी पूरी भरी पड़ी दुनिया है कि हमें कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा क्या। मेरा पॉइंट ये है, ये हराम लेके कहाँ जाएगी, इसकी कब्र में इसके कफन में कौन सी जेबें होंगी जहाँ पे ये लेके जाएगी, मुझे बस ये पता चल जाए कि ऐसी कौन सी जेब है जिस औलाद के लिए ये हराम इकट्ठा कर रही है। और बाबा के एक और दफ़ा मना करने के बावजूद, जो कि बाबा ने बताया, इसने मेरे भाई से कांटेक्ट नहीं छोड़ा, तो मेरी तरफ से मेरे भाई से कांटेक्ट रखती है, 70 और मर्दों से रखती है, गंदी औरत है जो मर्ज़ी करे, आई डोंट गिव अ शिट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये मेरे भाई से कांटेक्ट में है किसी से भी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी देर रखना है रखे, आई डोंट केयर। बस इसने वॉइस नोटों में सारा को मेरे ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की। तो मैं एक चीज़ दोबारा बता दूं, मेरा और सारा का कांटेक्ट तब हुआ था जब हमारी मेरी शादी को 25 दिन हुए थे और इस घर में लड़ाई हुई थी, मेरा और सारा का तब से कांटेक्ट है। तो ये सारा को झूठ बोल रही थी कि पिंकी तो फेक आईडी बना के तुम्हारे अकाउंट में ये करती है वो करती है। तो मैं तुम्हें क्लियर बता दूं कि सारा और मेरा कांटेक्ट था और मैं अपने पर्सनल अकाउंट से सारा के अंदर ऐड थी और सारा और मेरी हर बात हो रही थी। तुम्हारे मुतल्लिक तो स्पेशली मुझे सारा बता रही थी कि मुझे तुमसे कैसे पीछे रहना है और अली को तुमसे कैसे पीछे रखना है, कि तुम किस तरह की नीच और घटिया औरत हो, जो तुमने दुबई में उसके साथ किया वो तुम अब अली के साथ करी और तुम हमारा घर भी ख़राब करोगी। कि तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत है, तुम ही तो कहती थी मुझे भी पैसा, तो तुम्हें भी ज़रूरत है, आके खड़ी हो अपना लो भाड़ में डालो, आगे पीछे ये सब जो चले गंदी बातें, या तो इतनी गंदगी है इतनी, ये तुम एक बात को रो रही हो, तुम समझी ना, अभी क्लेवर बनने वाला टाइम है, इन बातों को रखो साइड पे सारा। इंसान तुम तो इतनी होशियार हो, बकवास बातों में पड़ रही हो, उसने ये कह दिया और उसने वो कह दिया, अली का सारा अली की बीवी और अली का गेम है, अली की बीवी कंजर खाने से है, वो कर रही है ये सारी गंद, तुम्हें इंस्टा पे फॉलो कर करके दूसरी दूसरी आईडियों से और सब में हगती फिरती। मैंने तो तुम्हारे बेटरमेंट के लिए बोला है कि पैसे की ज़रूरत उसे भी है, तो उस तक मैं ये मैसेज बता दूं कि यहाँ एक अली जो है वो खाने पे तुला हुआ है, बाबा पे प्रेशर डाल रहे हैं कि पूरा घर बाबा के अली के नाम करो अली के नाम करो। खैर वो मेरा तो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो खैर बाबा ने मुझे बोला है वो मैं तुमको बता रही हूँ कि बाबा ने मुझे बोला सारा को जाके। सब वॉइस नोट आप लोगों ने सुन लिए होंगे, तो ये वॉइस नोट ये सारा को करके ट्रैप कर रही थी कि किसी तरह सारा आए और मेरे साथ खड़ी हो जाए और हम बाबा के आगे हिस्से के लिए खड़े हो जाएं और हिस्सा लेके कल्टी हो जाएं। और फिर इसने क्या गेम करनी थी कि बाबा से सारा के बाद सुलह कर लेनी थी और बुरा सारा और अली को बना के बचा कुचा जो बाबा के पास था वो भी हड़पना था। तो ये सारी ख़ानदान की इसने अली की तरफ मोड़ दिया कि अली हिस्सा मांग रहे अली हिस्सा मांग रहे। हम तो ख़ुद पर्सनली ये घर छोड़ के जा रहे थे, अगर हमें हिस्सा चाहिए होता, हमें घर अली को अपने नाम लगवाना होता, तो बाबा ने जब ये घर बन रहा था तब भी अली को ऑफ़र की थी और अली इस घर का बेटा है,
बाबा ने अली को ऑफर की थी, अली ने तब भी बोल दिया था जब तक आपकी जिंदगी है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और हम तब भी उस स्पॉट पे भी घर छोड़ के जा रहे थे जब ये हर जगह हमें बदनाम कर रही थी कि हमें हिस्सा चाहिए, हम हिस्सा मांग रहे, तो हम छोड़ के जा रहे थे। और इनवॉइस नोटों में सारा खानदान और सारी दुनिया सुन ले अब कि कौन हिस्से के लिए मर रहा था, कौन हिस्से के लिए सारा को ट्रैप कर रहा था, सारा को गेम में ला रहा था कि किसी तरह सारा ज्वाइन हो और हिस्सा मांगा जाए और हिस्सा लिया जाए। ये वॉइस नोटें क्लियर हैं, इस तरह की 100 वॉइस नोटें मेरे पास हैं। मेन तो बेटे का हक हुआ, मेन तो हर चीज़ पे बेटे का हक हुआ, बाबा को तो हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ ही सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बाबा उसको खिलाते हैं, हम कभी भी नहीं बोलते, हमें सब पता है कि वो क्या खाती है क्या करती है, हमें सब पता है। और बाबा खुद भी अपने मुंह से बोलते हैं कि वो बच्चे पीछे लगा के मुझसे खींचती है, मुझसे ये बहाना करके खींचती है, ये करके खींचती है। खैर हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन तुम बेसिकली हमारा हक खा रही हो, तुम बेसिकली अली का हक खा रही हो, अपने बच्चों को हराम ही अभी तक खिला रही हो, तुम्हारे बच्चे हराम खा के हराम ही निकलेंगे, कभी भी हराम खा के कोई चीज़ हलाल की नहीं निकलती है। तुमने इतने साल हराम खाया, इतने साल का हराम खाया, तुम अभी तक हराम में ही जी रही हो ना, तुमने अगर हलाल खाया होता, अपना हक खाया होता, तो तुम अच्छी खासी सुधरी निकलती, हराम खा के तुम वैसे ही बगैरत बन चुकी हो, बगैरत निकली हुई हो, तुम्हारे बच्चे भी उसी लाइन पर चलेंगे। मेरे भाई से तल्लुक, अली के दोस्तों से तल्लुक, किन किन से नहीं तल्लुक है, सिर्फ क्या एक चोरखोरी करती रहूँ, कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाए, कहीं ना कहीं से आग लगाती रहूँ, कितनी शैतानी भाई। तुम इन्हीं चीज़ों में रहेगी ये औरत, और इस औरत की ना तो औलाद किसी काबिल निकलेगी, ना ही औरत किसी काबिल निकलेगी, और वैसे इसका शोर माहिर मुँह मारता रहेगा, तो इसकी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो जानी है इंशाल्लाह। तो बस मेरा यही पॉइंट था आँखें बताने का, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं और मैं इससे बहुत तंग आ गई हूँ, ये मेरे व्लॉग भी देखती है, और मेरा डायरेक्ट इसे मैसेज पहुँचाने का यही मकसद था कि तुम मेरे व्लॉग देख रही हो तो तुम्हें क्लियर हो जाए कि ये तुम्हारा आखिरी टॉर्चर था जो तुमने मुझ पे किया अपने बाप के थ्रू पिछले दिनों, इसके बाद अगर होगा तो हम डायरेक्ट ही होंगे, क्योंकि अब ये चीज़ें नहीं टॉलरेट हो सकती। और प्लस मेरे व्लॉग में लास्ट इसका जिक्र था, क्योंकि इस घटी औरत का जिक्र मैं अब नहीं करना चाहती, आप लोग मेरी फैमिली है इसलिए मेरा बताना आप लोगों को हक बनता था, बस बाकी मैं इस घटिया औरत का अब जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना तो ये एग्जिस्ट करती थी, ना एग्जिस्ट करती है, ना इसका कोई वजूद है, क्योंकि एक बहुत घटिया और गलीज़ औरत है, गलीज़ मैं कहती हूँ, गलाजत की जहाँ एंड होती है ना वहाँ ये औरत शुरू होती है, इतनी घटिया औरत है, इतनी चीप फ़कीरत का चोला पहना होता है, हसद की मरीज़ा, हसद कर करके इसने अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की, हसद कर करके अभी अली और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है, बस चाहती है किसी तरह अली और मैं अलग हो जाएँ, अल्लाह ना चाहे, नहीं तो ये हमें कभी अलग नहीं कर सकती है। इसको मेरे बच्चे से हसद है, इसको हमारे पहनने से हसद है, इसको हमारे रहने से हसद है, इसको हमारी चीज़ों से हसद है, इसको हर चीज़ से हसद है, हर चीज़ से, और ये अल्लाह की तरफ से इसको सज़ा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को इसी काम के लिए रख देते हैं कि जा जितनी शैतानी करो, एंड पे रस्सी अल्लाह ताला खींचते, और अल्लाह ताला फिर ऐसी रस्सी खींचते कि दुनिया आखिरत में वो इंसान भुगतता है और मुँह के बल गिरता है, मुँह के बल।